Subscribe to my YouTube channel Super Princess Jo and hit on that bell icon to see all my latest videos first. Hey guys, नमस्कार. आ गई हूँ वापस मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये 5 रुपए की छोटी सी वैसलीन की डिब्बी, जी हाँ वैसलीन पेट्रोलियम जेली, किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं. मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 30 डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग वैसलीन. जी हाँ, 30 अलग तरीके जिस तरह से आप इस वैसलीन पेट्रोलियम जेली को यूज कर सकते हैं अपने ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल टिप्स के लिए. और ये बहुत ही अमेजिंग वैसलीन हैक्स है. आप जाने कि ये छोटी सी डिब्बी आपको किस तरह से अलग अलग फायदे पहुंचा सकती है. तो चलिए शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल सुपर प्रिंसेस जो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए. उसके बगल में एक छोटी सी घंटी है, उसे जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन आ जाए. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, तो वैसलीन के यूज करने के डिफरेंट तरीके हैं. सबसे पहला तरीका है ड्राई स्किन. आप अपनी वैसलीन पेट्रोलियम जेली को अपनी ड्राई स्किन पे कहीं पे भी लगा सकते हैं और वो आपको इंस्टेंट स्मूथनेस देती है. दूसरा तरीका है वैसलीन पेट्रोलियम जेली को अपने लिप्स पे लगा के एक्सफोलिएट करने के लिए. इससे ना कि आपके ड्राई लिप्स इंस्टेंटली स्मूथ हो जाते हैं, साथ ही साथ ये डेड स्किन भी रिमूव करती है. तीसरा तरीका है वैसलीन पेट्रोलियम जेली को अपने ड्राई और ब्रिटल हेयर पे लगाइए. अगर आपके बाल हेयर कलरिंग की वजह से या हेयर टूल्स यूज करने की वजह से बहुत ही ज्यादा ड्राई हो चुके हैं तो आप अपनी वैसलीन पेट्रोलियम जेली को अपने ब्रिटल और ड्राई बालों पे लगा के, यानी उड़ते हुए बालों पे लगा के उन्हें आसानी से बैठा के स्मूथ कर सकते हैं. चौथा तरीका है आपके छोटे छोटे बाल, जो आपके मस्तक के यहाँ पे छोटे छोटे बाल उगते हैं, इनको टेम करने के लिए. कुछ लोगों के छोटे छोटे बाल, जो बेबी हेयर बोला जाता है, बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ही अनोइंग लगते हैं क्योंकि आप जब भी कोई हेयर स्टाइल करते हैं आपके बाकी बाल पीछे हो जाते हैं लेकिन बेबी हेयर ऐसे बालों पे आते हैं. तो उनको टेम करने के लिए आप अपने फिंगर टिप्स पे वैसलीन लीजिए और आसानी से आप छोटे छोटे बालों को पीछे सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट तरीका है अपनी आईब्रोज की ग्रोथ का. जी हाँ, अगर आपको थिक और घने आईब्रोज चाहिए, जैसे कि मैं अपने आईब्रोज को अभी थिक कर रही हूँ. जब भी हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं और थ्रेडिंग वाली आंटी हमारे आईब्रोज खराब कर देती है तो हमें इंस्टेंटली आईब्रो ग्रोथ वापस चाहिए होता है. तो आप आसानी से वैसलीन को अपने फिंगर से अपने आईब्रोज पे लगाइए, रात भर छोड़िए, 4-5 दिन में आप देखेंगे कि आपके नए आईब्रोज निकल आएंगे. नेक्स्ट तरीका है अपनी आईलैश को घना और लंबा बना के. हम सब ब्लेस्ड नहीं होते हैं लंबे और बार्बी डॉल आईलैशेस के, तो जिन लोगों के आईलैशेस हल्के या छोटे होते हैं वो छोटी सी वैसलीन लीजिए और अपनी आईलैश के रूट्स पे रब कीजिए. रोज रात को लगा के सोएंगे तो आपकी आईलैशेस ना कि घनी होंगी बल्कि लंबी भी जल्दी होंगी. नेक्स्ट तरीका है क्यूटिकल केयर का. अगर आपके नेल्स के यहाँ पे सर्दियों में बहुत सारे ब्रेकेज हो जाती है, आपके स्किन के यहाँ पे ड्राई स्किन हो जाती है, तो आप अपने क्यूटिकल्स को कूल करने के लिए, क्योंकि जब क्यूटिकल्स खराब हो जाते हैं तो बहुत ही बर्निंग होती है, तो उस बर्निंग को सूथन करने के लिए और अपने क्यूटिकल्स को वापस हेल्थी बनाने के लिए वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आठवां तरीका है शू बाइट के लिए. जब भी आप बाजार से नया जूता ले और वो अगर आपको काटने को दौड़ता है तो अपने जूते के अंदर चारों तरफ वैसलीन लगाइए और आप देखेंगे कि आपकी शू बाइट नहीं होगी. नेक्स्ट तरीका है अपनी स्किन को हेयर कलर से प्रोटेक्ट करने के लिए. जब भी आप बालों में हैना लगाएं या अपने बालों में कोई भी हेयर कलर करें तो वैसलीन लेके अपने माथे पे, अपने गले पे और अपने कानों पे जरूर लगा लीजिए हेयर कलर करने से पहले, और आप देखेंगे कि आपका जो भी हेयर कलर, अगर वो गलती से फैल जाता है, वो आपकी स्किन को स्टेन नहीं करेगा. दसवां तरीका है आप अपनी वैसलीन को की और की होल के लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं. अगर आपकी चाबी पुरानी हो चुकी है और वो ताले में आसानी से जाती नहीं है या फिर फंस जाती है तो आप अपनी की में वैसलीन लगा के दरवाजा खोलिए, आसानी से ताला खुल जाएगा. ग्यारहवां तरीका है वाटर प्रूफ मेकअप रिमूव करने के लिए. अगर आप मस्कारा यूज करते हैं जो वाटर प्रूफ है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है अगर आप स्वेटिंग और समर के क्लाइमेट में वाटर प्रूफ मेकअप यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आती है उसको निकालने की डिफिकल्ट कंडीशन. तो अगर आप वाटर प्रूफ मेकअप निकालना चाहते हैं तो वैसलीन को कॉटन में लेके या छोटे से टॉवल में लेके अपना पूरा फेस साफ कर सकते हैं.
बारहवा तरीका है, आप अपनी वैसलिन को दो मुहे बालों के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। आपके बालों के नीचे जो दो मुहे बाल हो जाते हैं, आप रात को सिर्फ इतने से पार्ट पे थोड़ी सी वैसलिन लगा के सोइए और आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके दो मुहे बाल रिपेयर हो जाते हैं। तेरहवा तरीका है, आप अपनी वैसलीन पेट्रोलियम जेली को अपनी नेल पॉलिश एप्लीकेशन के प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। अगर आपको आसानी से और अच्छी तरीके से नेल पॉलिश लगानी नहीं आती है तो आप अपने नेल्स के चारों तरफ वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा लीजिए, उसके बाद नेल पॉलिश लगाइए और आप देखेंगे अगर आपकी नेल पॉलिश लगाते वक्त इधर उधर स्किन में लग जाती है तो सूखने के बाद आप आसानी से वो इधर उधर की नेल पॉलिश छुटा सकते हैं और एकदम स्मूथ मैनिक्योर घर पे पा सकते हैं। चौदवा तरीका है बेबी स्किन केयर के लिए। अगर आपके पास छोटा बच्चा है या आपकी फैमिली में कोई छोटा सा बेबी है लेकिन वो डायपर पहनता है और उसको रैशेस हो जाते हैं, तो रैशेस की ट्रीटमेंट के लिए वैसलीन बहुत ही अमेजिंग है। अपने बेबी के डायपर रैशेस को ट्रीट करने के लिए बेबी के बम्स को क्यूट तरीके से धो लीजिए, सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लीजिए, उसके बाद हल्का सा वैसलीन लगा के उसे डायपर पहनाइए। इससे दो चीज होगी, एक तो रैशेस की ट्रीटमेंट भी होगी और दूसरा नेक्स्ट टाइम वो सुसु या पॉटी करेगा तो उसका गीलापन डायरेक्ट उसकी स्किन में नहीं रहेगा। वैसलीन एक बैरियर की तरह काम करेगा और बेबी स्किन केयर में आपकी मदद करेगा। पंद्रवा तरीका है, आप अगर हेयर स्टाइल्स बनाते हैं और आपके पास हेयर स्प्रे नहीं है या फिर आपके पास पैसे नहीं है हेयर स्प्रे खरीदने के लिए, तो इंस्टेंट यूज के लिए आप वैसलीन को एज ए हेयर स्टाइल प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप हेयर स्प्रे यूज करते हैं अपने हेयर स्टाइल को सेट करने के लिए, उसी तरह वैसलीन को अपने पाम में लेके अपने हेयर स्टाइल के ऊपर हल्का हल्का लगाएंगे तो आपको एक नेचुरल शाइन मिलेगी, साथ ही एज ए हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट काम आएगी। सोलवा तरीका है, वैसलीन को आप यूज कर सकते हैं अपने परफ्यूम के लंबे इस्तेमाल के लिए। जी हाँ, अगर आप परफ्यूम सुबह लगाते हैं और शाम तक आपके पास पसीने की बास आती है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। सबसे अच्छा तरीका है सुबह जब आप नहा के आते हैं और आपकी बॉडी हल्की सी गीली होती है तो वैसलीन को अपनी उंगलियों में लेके अपने गले और रिस्ट पे लगाइए और उसके बाद उसके ऊपर परफ्यूम स्प्रे कीजिए तो आप देखेंगे आपका परफ्यूम एक दिन के दो दिन तक रहेगा। सत्रह तरीका है उन लोगों के लिए जिनको टैन स्किन या डार्क स्किन पसंद है या फिर जिन्हें नेचुरल ऑरेंजिश ग्लो पसंद है। अगर आप नेचुरल ब्रॉन्जर टाइप लुक चाहते हैं या फिर अपने आप को थोड़ा सा टैन करना चाहते हैं क्योंकि स्प्रिंग और समर का सीजन है, तो वैसलीन को अपने मुंह पे और पूरे बॉडी पे लगा के धूप में 15 मिनट के लिए लेट जाइए, आप देखेंगे कि आप एक शेड डार्कर 15 मिनट में हो जाएंगे। 18वां तरीका है वैसलीन को एज ए बॉडी स्क्रब यूज करने का। जी हाँ, अगर आपके पास कोई बॉडी स्क्रब नहीं है और आपको इंस्टेंट बॉडी स्क्रब की जरूरत है जो ना कि बहुत डेड स्किन आपके शरीर से निकाले बल्कि साथ ही साथ आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करे, तो थोड़ी सी वैसलीन में थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक मिला के अपने हाथों में मसाज करके पूरी बॉडी को एक्सफोलिएट कीजिए। ये बहुत ही अच्छा बॉडी स्क्रब है, डेड स्किन रिमूव कर देता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को बहुत अच्छा मॉइस्चर एज वेल एज शाइन प्रोवाइड करती है। 19वां तरीका है पीरियड्स हैक। अगर आपको पीरियड्स होते हैं वो भी लंबे समय तक तो आपको रेगुलर पैड्स यूज करने की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ आपके उस प्राइवेट पार्ट पे गीलापन बहुत लंबे वक्त तक होता है। जब आपको एक हफ्ते से ज्यादा पीरियड्स होते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही सफर करती है, तो अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस हो जाती है, इचीनेस, रेडनेस हो जाती है या बर्निंग होती है तो आप ये वैसलीन पेट्रोलियम जेली अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने के बाद वहां पे लगाइए, उसके बाद पैड पहनिए, आप देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा कंफर्ट और रिलीफ फील होगा। 20वां तरीका है वैसलीन यूज करने का रिंकल ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है, मतलब आपको रिंकल्स होने लग गए हैं या फिर आपको झाइयां और झुर्रियां होने लगी हैं और आपकी स्किन बहुत डल है, तो वैसलीन से अपने फेस पे सुबह 5 मिनट मसाज जरूर कीजिए। और अगर आप सुबह नहीं करना चाहते तो रात को सोने से पहले 5 मिनट वैसलीन का मसाज करके सोइए, आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी स्किन यूथफुल होने लगती है, साथ ही साथ ये रिंकल और झुर्रियों को दूर करने में भी मदद करता है। 21वां तरीका है आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली को ड्राई बालों के हेयर मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ वैसलीन पेट्रोलियम जेली का एक चम्मच चाहिए, उसमें 4 से 8 चम्मच कोई भी एसेंशियल ऑयल आपकी चॉइस का, जैसे कि लेवेंडर या लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल मिक्स कीजिए और उसको अपने बालों में रात में लगा के सोइए। सुबह आप शैम्पू कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपके बाल कितने ही शाइनी और हेल्थी लगते हैं।
22वां तरीका है अपने बालों को नेचुरल शाइन प्रोवाइड करने का। अगर आप चाहते हैं आपके बाल नेचुरली शाइन लगे और आपके पास शाइन स्प्रे नहीं है, तो वैसलिन को अपने बालों पे लगाइए और आप देखेंगे कि आपके बालों में कितनी अच्छी चमक आ जाती है जो कि पूरे दिन रहती है। अगला तरीका है वैसलीन को लेदर बैग्स और लेदर गुड्स की शाइनिंग के लिए। अगर आपके घर में सोफा सेट है, बेल्ट है या हैंडबैग्स हैं जो पुराने, डल और गंदे दिखने लग गए हैं, तो आप छोटे से टॉवल में थोड़ा सा वैसलीन लेके आप आराम से अपने गुड्स पे लगा सकते हैं। आपके हैंडबैग फिर से चमचमा जाएंगे, आपकी लेदर बेल्ट एकदम नई सी लगने लगेगी और आपका सोफा एकदम क्लीन होके चमचमाएगा। 25वां तरीका है वैसलीन यूज करने का जिप्स के लिए। आपकी पैंट की जिप हो या फिर आपके हैंडबैग की जिप हो या फिर आपके ड्रेस की जिप हो, आप किसी भी जिप में जो फंसती है वैसलीन लगाइए और आप देखेंगे कितनी स्मूथली वो जिप वापस काम करने लगेगी। नेक्स्ट तरीका है अगर आप मेकअप यूज करते हैं रेगुलरली और आपके कपड़ों में कोई दाग धब्बे हो जाते हैं, तो मेकअप से सने हुए कपड़ों को धोने के लिए आप पहले वैसलीन लगा लीजिए, फिर उसे वॉशिंग मशीन में डालिए और धोइए। ना कि ओनली मेकअप, बल्कि अगर आप हल्दी वाला खाना या मिर्च मसाले वाला खाना, अचार खाना पसंद करते हैं और कभी एक्सीडेंटली आपके कपड़ों में किसी भी टाइप का स्टेन हो जाता है, कोई भी दाग धब्बा लग जाता है, तो अपने कपड़ों को धोने से पहले हल्की सी वैसलीन लगा के उसे वॉशिंग मशीन में डाल के धो के देखिए, एकदम कपड़े चमचमा जाएंगे। नेक्स्ट तरीका है किसी भी नेल पॉलिश की बॉटल हो या मस्कारे की बॉटल हो या कोई भी बॉटल हो या फिर आपके किचन का कोई भी जार हो, अगर वो हमेशा फंस जाता है, टाइट हो जाता है, अचार की बॉटल है जिसे आप रोज खोलने के लिए परेशान होते हैं, ताकत बहुत लगानी पड़ती है और खुलता नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप उसके ढक्कन पे जो थ्रेड होती है उस पे वैसलीन लगा लीजिए। हल्की सी वैसलीन लगा के वो ढक्कन लगाइए तो आप देखेंगे कि आपकी जो टाइट से ढक्कन खोलने की प्रॉब्लम है वो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाती है, आप कोई भी बॉटल आसानी से खोल पाएंगे उसके बाद। नेक्स्ट तरीका है मस्कारा और आईलाइनर को रिवैम्प करने का। अगर आपका मस्कारा गर्मी की वजह से या धूप की वजह से या पुराने होने की वजह से ड्राई हो गया है या फिर आपके आईलाइनर ड्राई हो गया है, तो आप अपने वैसलीन को अपने मस्कारा या आईलाइनर की बॉटल में डालिए, उसे थोड़ा सा हिलाइए, 5 मिनट छोड़िए और उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो मस्कारा और आईलाइनर है एकदम फ्रेश हो जाएगा और जेलिश जैसा टेक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका है वैसलीन यूज करने का ज्वेलरी के लिए। अगर आप ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, चाहे वो आपके कान की इयररिंग्स हो या आपके रिंग्स हो या बैंगल्स हो, और आप जानते हैं कि ज्वेलरी जब अगर आप बहुत टाइम तक पहनते नहीं हैं, उसके बाद जब पहनते हैं तो कभी टाइट हो जाती है, कभी लूज हो जाती है, तो किसी भी ज्वेलरी को आसानी से पहनने के लिए और निकालने के लिए अपनी स्किन पे वैसलीन लगाइए। ये आसानी से ज्वेलरी को पहनने और उतारने में आपको मदद करेगी और आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। फाइनली जो आखिरी और 30वां तरीका है वैसलीन यूज करने का, आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली को यूज कर सकते हैं अपने फोन को शाइन करने के लिए। आप वैसलीन लीजिए, थोड़े से अपने फोन के बेस पे लगाइए, 1-2 मिनट छोड़ दीजिए और क्लीन टॉवल लेके उसे पोंछ दीजिए। आप देखेंगे कि आपका फोन इंस्टेंटली शाइनी हो जाता है, आपकी फोन की स्क्रीन एकदम चमचमा जाती है और साथ ही साथ आपका फोन एकदम नए जैसा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 30 वेज ऑफ यूजिंग वैसलीन वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कोई तरीके मालूम है जिस तरह से आप वैसलीन अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे और भी व्यूअर्स की मदद हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के बेनिफिशियल वीडियोस और बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी अगली बार अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।